जब मैं कहता हूं कि डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट में अलग अलग रिलेशनशिप्स को दिया जाता है। डिस्प्यूट जो होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच हो सकता है, मतलब बॉसेस में झगड़ा, एम्प्लॉई एम्प्लॉई के बीच हो सकता है, इसको वर्कमैन बोलते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच हो सकता है। तो मेनली जो हम कंसिडर करके चलते हैं वो तीसरे वाले को कंसिडर करके चलते हैं, कौन सा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इनके बीच आ गए डिफरेंसेस, या फिर ऐसा हुआ है कि भाई जो एम्प्लॉयर है उसने क्या है विदाउट एनी रीजन एम्प्लॉई के सर्विस टर्मिनेट कर दिए, इसके कारण क्या है डिस्प्यूट अराइज हो गया। आपको पहले बताओ इतनी मेरी कही गई बात समझ आई कि जो मैंने बोली अभी, ये समझ आ गया? Yes, sir. आपको ये समझ आया? अब यार डिस्प्यूट हो गया तो उससे क्या है, कहीं ना प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है, और आप बोलोगे तो इकोनॉमी का कहीं ना कहीं नुकसान है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि डिस्प्यूट जितना जल्द हो सके सुलझ जाने चाहिए। तो प्रोसेस क्या है, एक हायरार्की लेवल है प्रॉपर, जैसे आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपकी एस्टेब्लिशमेंट है और यदि वहां पे 100 से ज्यादा वर्कर हैं, तो आपको हर दम झगड़े सुलझाने या वर्करों पे ध्यान रखने के लिए एक वर्क कमिटी बनानी होगी। इस वर्क कमिटी में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जरूरत पड़ने पर हर तरह के डिफरेंसेस को सॉल्व करने का काम ये करते हैं। ठीक, वर्क कमिटी बनाने का जो कंपल्शन है वो उन जगहों पर है या उन एस्टेब्लिशमेंट पर है जहां पे 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। तो आपको मैं अथॉरिटी लेवल्स बता रहा हूं जो आपके झगड़े सुलझाते हैं। अगर आपके यहाँ 100 से ज्यादा वर्कर है तो आपके यहाँ खुद की एक वर्क कमिटी होती है जो आपके मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के होने वाले डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करते हैं। आप बता दो ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई आ गई। अब सपोज करो आपके वर्क कमिटी नहीं है तो झगड़ा कैसे सुलझेगा? वर्क कमिटी नहीं है फिर झगड़ा कैसे सुलझेगा? तो इसमें यह बोला जाता है कि डायरेक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना चाहिए, कंसीलिएशन कराना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके वर्क कमिटी नहीं है तो आप मैटर रेफर कर सकते हो कंसीलिएशन ऑफिसर के पास। किसके पास? Conciliation officer के पास ये कर सकते हो। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने ये डिसाइड किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंसीलिएशन ऑफिसर रहेगा, जो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर जो भी फैक्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट है उनमें अगर झगड़े हो रहे हैं तो उनको रिजोल्व करवाने का काम करेगा। आप बताओ ये क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा, कंसीलिएशन ऑफिसर जिस अथॉरिटी के अंदर आता है उसको बोलते हैं कंसीलिएशन बोर्ड। तो जैसे जब ये डिस्प्यूट सुलझा देता है, ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट बनाकर कंसीलिएशन बोर्ड को भेजता है कि मैंने इस झगड़े को इस तरह से सुलझाया। और अगर ये डिस्प्यूट नहीं सुलझा पाता तो भी ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट बना के कंसीलिएशन बोर्ड को भेजता है कि सर मेरे से ये झगड़ा नहीं सुलझ पाया। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? लेवल समझ आ रहे हैं भाई? अगर कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं तो वर्क कमिटी बनाओ, वो झगड़े सुलझाती है। नहीं तो फिर क्या करना है अपने को, कंसीलिएशन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में झगड़ा सुलझाएगा, झगड़ा सुलझा के रिपोर्ट किसको भेजेगा? कंसीलिएशन बोर्ड। सुलझा पाया तो भी किसको भेजेगा? कंसीलिएशन बोर्ड। अब मान लो ये झगड़ा नहीं सुलझा पाया तो कंसीलिएशन बोर्ड क्या है, इस मामले को आगे रिफर कर देता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तरफ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये लोअर लेवल ये इंफीरियर कोर्ट है जो इंक्वायर करते हैं कि झगड़ा क्यों अराइज हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर सुलझ गया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज फिर क्या है, आप प्रॉपर कोर्ट सिस्टम में जाते हैं, मतलब आप पूरा केस अब जाके कोर्ट में लड़ोगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो सिर्फ इंक्वायर कर रहा है कि झगड़े क्यों हुए थे, अगर ये खुद सुलझा पाए अपने लेवल पे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज अपने झगड़े को लेकर आप कोर्ट जाओ तो इसमें लेवल बाय लेवल जाओगे। सबसे पहले आपको जाना होगा लेबर कोर्ट,
कहाँ जाना होगा? लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट। हार गए तो अपील करने तुम जाना इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। कहाँ जाना? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और यहाँ पे भी हार गए तो जाना नेशनल ट्रिब्यूनल। कहाँ जाना? नेशनल ट्रिब्यूनल। तुमको लगता है कि अभी डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाना है तो इस स्टेप का एक अल्टरनेटिव स्टेप है। अगर ये तुमसे नहीं जमे कि कोर्ट जाके झंझट होगा, आपसी सेटलमेंट करना है, तो तुम इस कोर्ट की जगह आर्बिट्रेशन भी करवा, ठीक है? अब ये तुम्हारी चॉइस है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाओ या पहले आर्बिट्रेशन करा के देख लो, मैटर नहीं सुलझा फिर कहां पहुंचो? कोर्ट। अब इसको सहसम्मान देख लो भी आप, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बताना एक बार। ये देख लो, ये हायरार्की लेवल है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसकी नोटिंग कर दो इसकी, या स्क्रीनशॉट दे दो इसका, फोटो तो खींच दो इसकी। हो गया क्या? यस सर, हो गया। कितना समझ आया ये बताओ, समझ कितना आया ईमानदारी से? आ गया सर, समझ आ गया। पहले तो ये बिना देखे मेरे को लेवल बोल के बताओ, सबसे पहला कौन आता है? वर्क कमिटी। हाँ, वर्क कमिटी। कौन आता है? कंसलेशन ऑफिसर, कंसलेशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, फिर लेबर कोर्ट, आर्बिट्रेशन, फिर उसके बाद अगर कोर्ट जाना होगा तो लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और अगर ये तीनों में से अल्टरनेटिव है तो आर्बिट्रेटर। समझ गए हो? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, फिर नेशनल ट्रिब्यूनल, ध्यान रहेगा? यस सर। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा नोट से पढ़ देते हैं, है ना? कल इसका टेस्ट दे दोगे क्या? कल इसका टेस्ट दोगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेबर लॉ का देना है ना पूरा? अच्छा, पूरा लेबर लॉ बोला हूं तो इसमें इंक्लूड है तो सर, स्टार्टिंग से जितना भी पढ़े, फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह पूरा एक साथ सब 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 देना, ठीक है? यस यस। चलो ध्यान से सुनो, यही मैंने आपको सारी बात बताई, वर्क कमिटी, कंसीलिएशन ऑफिसर, कंसीलिएशन बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, राइट, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर, यही पढ़े अपन। तो अगर मेंशन करने आ गया तो सारी अथॉरिटी दिख लोगे? यस सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें, सबसे पहला डिसमिसल होता क्यों है, कौन से डिसमिसल्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है, कब माना जाता है कि वर्कर को आप भगा दोगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा? तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि वर्कर को अगर डिसमिस कर दिया गया या डिस्चार्ज कर दिया गया, रिट्रेंच कर दिया गया है, या उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया, जिस बात से वर्कर अग्री नहीं करता है, अग्री कर देता तो कोई इशू ही नहीं था, मैं बोलता हूँ आप जाओ, आप चले गए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि आप बोलते हो जाओ नहीं जाता तो हमारे बीच आ जाएंगे डिफरेंसेस और हमारे बीच हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो सेक्शन 2A का प्रोविजन थोड़ा ध्यान रखना, कब ये माना जाता है कि डिसमिसल जो है वो डिस्प्यूट बन जाता है, तो जब हटाए जाने को लेकर डिफरेंसेस आने लग जाए, क्या आने लग जाए, डिफरेंसेस आने लग जाए तो डिस्प्यूट बनता है। आप बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं? एक बार फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखो, निकाला जाना तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, सवाल ये है कि ये जो है डिस्प्यूट कब बन जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स नाम का एम्प्लॉयर है, वाई नाम का एम्प्लॉय है, एक्स ने वाई की सर्विस को खत्म कर दिया, एंड कर दिया, वाई बोल रहा है मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या डिस्प्यूट हुआ? नहीं सर। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ भाई एक्स जो है वो वाई की सर्विस एंड कर रहा है और इस बात से वाई बहुत गुस्से में है और वो बोल रहा है मेरे को हटना ही नहीं है, आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, तो अब इनके बीच क्या राइज हुआ? डिस्प्यूट। तो बेसिकली ये माना जाता है कि डिस्प्यूट क्यों अराइज होता है, तो इन कारणों से होता है। अगर वर्कर को डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस मतलब फायर कर दिया गया, ठीक, डिस्चार्ज कर दिया गया, रिट्रेंच कर दिया गया, या उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई, आप बताओ आपके मन में, जीवन में इसको लेकर कोई समस्या? नहीं सर। अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ये 2A2 और 2A3 करने की जरूरत नहीं है, नीचे डायरेक्ट हायरार्की लेवल पे आओ, पढ़ना चालू करो। नंबर 1 क्या है अपना? वर्क कमिटी।
चाहिए, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ते एक एक लाइन को, हमारे मन में कोई डाउट ना रहे. इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच, कितना बताया था आपको मैं, 100 एंड प्लस, वर्कर आर एम्प्लॉयड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू कंस्टिट्यूट अ वर्क कमिटी. गवर्नमेंट बोलती है कि आप वर्क कमिटी बनाओ. इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एंगेज इन द एस्टेब्लिशमेंट. The representative of workmen shall be chosen amongst the workmen engaged in the establishment and in consultation with registered trade union, if any. Work committee deals with the worker problem arising day to day in industrial establishment. आप बताओ आपको सारी लाइन समझ आई कि कोई ऐसी लाइन है जो इसमें से गड़बड़ आ गई? वर्क कमिटी कहाँ बनानी है? जहां 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं. तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि जब वर्क कमिटी बनाते हो तो इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रखो. एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे? तो जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वही वर्कर होंगे, और ट्रेड यूनियन की कंसेंट भी यहाँ ले दी जाएगी. वर्क कमिटी का काम क्या है? जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती है वर्कर की उसको सॉल्व करना, इसमें डिस्प्यूट्स भी आते हैं. आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ आई? अच्छे से है क्या? शर्मा जी तू बता कितना समझ आता है? बुक दे दिया तू? यस सर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है. या नोट्स दे दिया सतीश से? नो सर. क्यों भाई? यस सर. कलेक्ट कर दे, कलेक्ट कर देना उससे, है ना? ठीक है, थर्सडे को पाएगा सर, मैं बाहर जा रहा हूँ. ठीक है, कोई नहीं. पहला हो गया. दूसरा स्टेप वर्क कमिटी के बाद भाई अब किसको रखना है? कंसिलिएशन ऑफिसर को. तो इसको हम तो नहीं रख सकते, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया. सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? चलो आप बताओ मेरे को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? सर जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होती है. वेरी गुड. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एनी नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक्स टू बी कंसिलिएशन ऑफिसर. कितने भी कंसिलिएशन ऑफिसर रख सकती है, बताइए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर. ओ सर, conciliation officer having duty of mediating and act as mediator in between party to resolve the dispute. ये क्या करते हैं? मीडिएटर का काम करते, झगड़े सुलझाते हैं. बता दीजिए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर. अगर मान लो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है और इसमें जैसे स्ट्राइक या लॉकआउट हो रहा है, तो यही conciliation officer क्या करेगा? conciliation प्रोसीडिंग अपनाएगा और झगड़े को सुलझाने का काम करेगा. बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर. नो सर. If the conciliation officer failed to resolve the dispute between party, he should report to the appropriate government. Appropriate government कौन है यहाँ पे? Conciliation board को power देके रखी है. सही बात है गलत बात है? ये अपनी report किसको भेजता है? Conciliation board. Conciliation board को government नहीं बनाया है ना? है ना? If necessary, the dispute shall be referred to board. Board माने क्या? Board माने कौन सा? Conciliation board. Labour court. ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. नेशनल ट्रिब्यूनल. अच्छे से बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर. क्लियर है. अब इसकी ड्यूटीज बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछती है, तो इन ड्यूटीज पे फोकस करो और इन ड्यूटीज को थोड़ा सा ना ध्यान रखो कि अगर आप एक कंसिलिएशन ऑफिसर हो तो आपका क्या क्या काम है. सबसे पहला आपका काम है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होल्ड करना, मतलब दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की तरफ से लोगों को बुलाना, उनके बीच बातचीत करवाना, ये आपका पहला काम है. बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर. दूसरा काम आपका जो है वो है मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट करना कि झगड़ा हुआ क्यों, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर. तीसरी बात, दोनों पार्टीज को सेटलमेंट के टर्म्स पे लाना, चलो मैटर खत्म करो सेटल करते हैं, सेटलमेंट के टर्म्स पे लाना, इसमें कोई दिक्कत? नहीं. चौथा, सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट की कॉपी गवर्नमेंट को भेज देना, ठीक है, कि इनके बीच मैंने सेटलमेंट करा दिया है. बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर. टफ लग रहे हैं क्या पॉइंट? ये बता दो मेरे को, टफ लग रहे हैं? देखो सबसे पहले भाई कंसीडरेशन प्रोसीडिंग करवाएगा, ये मतलब कंसीडरेशन चालू करेगा. दूसरा इन्वेस्टिगेट करेगा कि झगड़े तो नहीं, क्यों हुए थे झगड़े. तीसरा दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच क्या कराएगा, मैटर को सेटल कराने का काम करेगा. जब सेटल हो जाए तो उसकी रिपोर्ट किसको भेज देगा? गवर्नमेंट को भेज देगा. और फेल भी हो गया तो उसकी भी रिपोर्ट किसको भेज देगा? गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट सेटल नहीं करा पाया. ठीक. भेजने का समय जो होता है वो 14 दिन का होता है, जब भी प्रोसीडिंग खत्म हो उसके 14 डेज के अंदर ये काम करना होता है. आप बताइए आपको ये कितना क्लियर है इसकी ड्यूटी? ये सब क्लियर हो गई. टफ है क्या?
बिना देखे तो एक बार ड्यूटी ड्यूटी नंबर वन क्या है सर? कंसलेशन प्रोसीडिंग्स को मतलब स्टार्ट कराएगा, बात करवाना या उसको स्टार्ट कराएगा इन्वेस्टिगेशन, फिर दोनों पार्टीज के बीच में मतलब हो सके तो सेटलमेंट कराने की कोशिश, और अगर नहीं भी हुआ या हुआ भी तो उस रिपोर्ट को ये किसके ऊपर आता है हायरार्की लेवल में, आप ये बताओ मेरे को, ये किसके ऊपर आता है? के ऊपर आता है ये, इसके ऊपर फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आता है ना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, भूलोगे तो नहीं इस बात को? तो देखो कई बार एज ओकेशन अराइजेस, जैसे ओकेशन अराइज होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन बना सकती है, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री डिस्प्यूट को प्रॉपरली सेटल किया जा सके। इसका चेयरमैन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और इनके साथ दो या चार मेंबर्स और होते हैं, ठीक। ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, दो हो या चार हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉयर को, ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉई को। हाउएवर जो चेयर पर्सन होता है उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयर की तरफ से रहा तो फैसला मानने में दिक्कत होगी, एम्प्लॉई की तरफ से रहा तो फिर क्वेश्चन उठ जाएगा इंटीग्रिटी को लेकर के, सही फैसला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप बताओ, आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि सिर के ऊपर से कही? दोबारा रिपीट करूं क्या? क्या होता है जहाँ कंसीलिएशन ऑफिसर से बात ना बने, झगड़े बड़े हो, तो जो गवर्नमेंट है कंसीलिएशन बोर्ड बना सकती है, ठीक है, BOARD। अब इसका वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रखती है कि इसमें चेयर पर्सन जो है या चेयरमैन जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बनाया जाता है, जो ना एम्प्लॉयर से जुड़ा है ना एम्प्लॉई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि इनसे जुड़े हुए पर्सन को चेयरमैन बना दोगे तो कभी फैसला नहीं आएगा, एक इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं चेयरमैन के अलावा, वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं? एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ, बाकी एम्प्लॉय। बोलो कितना समझ में आया, बोलो कितना समझ आया? द मेंबर अपॉइंटेड शैल बी इन इक्वल नंबर टू रिप्रेजेंट द पार्टीज टू डू डिस्प्यूट, ऑन द डिस्प्यूट बीइंग रेफर्ड टू द बोर्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू डू ऑल थिंग एज इट थिंक फिट फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टी टू कम टू फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट। पूरी कोशिश की जाती है कि क्या करा दिया जाए, सेटलमेंट करवाया जाए। आप बताइए, आपको ये बात समझ आ गई होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, अब जैसे ऊपर कंसीलिएशन ऑफिसर की ड्यूटी पढ़े, नीचे बोर्ड की ड्यूटी है, ये ड्यूटी लगभग सेम है जैसे ऊपर पढ़े हो, बस फर्क ये है कि वहाँ वो 14 दिन में रिपोर्ट करता था और इनको रिपोर्टिंग करनी है 2 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 2 मंथ। ठीक है, देखो ड्यूटी एकदम आसान है। सबसे पहले दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट करवाना है, दूसरा इन्वेस्टिगेट करके देखना है कि डिस्प्यूट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। अगर फेल हो गए सेटलमेंट कराने में तो ये अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज देंगे कि क्या कारण था कि सेटलमेंट नहीं हो पाया, और अपना ओपिनियन देंगे कि सेटलमेंट कैसे आगे करवाया जा सकता है। लास्ट इस रिपोर्ट को इन्हें 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट को भेजनी होती है। बताइए कितना क्लियर है? फिर रिपीट कर दूं क्या? यही चीज है, कंसीलिएशन ऑफिसर ने पढ़े थे कि सेटलमेंट करवाना है, दूसरा डिस्प्यूट क्यों हुआ था यह जांचना है, सेटलमेंट करा दिया तो बहुत अच्छा, फेल हो गए तो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है, और रिपोर्टिंग का टाइम जो है वहां 14 दिन था, यहाँ कितने महीने हैं? 2 मंथ। आप बताओ कितना क्लियर हुआ आपको ये? अच्छे से आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया बेटा, कंसीलिएशन ऑफिसर, वर्क कमिटी, कंसीलिएशन बोर्ड। मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया, और आपको हो गया होगा क्लियर, दिक्कत नहीं गई होगी। अब इसके बाद हायरार्की लेवल में अगला यहाँ पे नंबरिंग कर दूं क्या मैं? ये तीसरा कौन हो गया था? कंसीलिएशन बोर्ड हो गया। अब इसके बाद हायरार्की लेवल में कौन आता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे आप तब पहुंचने की बात करेंगे जब कंसीलिएशन की व्यवस्था ना हो। तो अब गवर्नमेंट कैसे रिपोर्ट पहुंच गई है कंसीलिएशन ऑफिसर से या कंसीलिएशन बोर्ड से, मैं लिखता हूँ इस बात को, ऑफिसर से या बोर्ड से रिपोर्ट पहुंच गई है सरकार को कि दे हैव फेल्ड, वो कंसीलिएशन नहीं करा पाए,
तो जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाती है ताकि ये जांचा जा सके, इंक्वायर किया जा सके कि झगड़े हुए तो क्यों हुए। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ी एज ओकेशन अराइज गवर्नमेंट कैन इनिशिएट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। दिस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वॉज टू फाइंड आउट मैटर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वेयर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेंबर वन ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। आप बताइए कोई दिक्कत? सर एक बार एक और देखो क्या होता है, कंसीलिएशन हो गया, झगड़ा सुलझ गया तो बहुत अच्छा। अब वो कंसीलिएटर जो सरकार को रिपोर्ट भेज दिए कि झगड़ा नहीं सुलझ पाया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाती है। इनका काम झगड़ा सुलझाना नहीं है, इनका काम फैक्ट फाइंडिंग है। ये पता करके देते हैं बेसिकली गवर्नमेंट को कि क्या कारण था, डिस्प्यूट क्यों हुआ और क्यों ये डिस्प्यूट काउंसिलिंग से भी सुलझ नहीं पाया। आप बताओ कितना क्लियर है? यस सर। समझ आया? द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लुक्स इनटू ऑनली मैटर व्हिच आर रिफर्ड टू इट बाय गवर्नमेंट एंड सबमिट इट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली विद इन सर्टेन पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनको जब बोला गया है, जिस मैटर को देखने बोला गया उसको देखते हैं, इंक्वायर करते हैं, सरकार को उस चीज की रिपोर्ट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। क्लियर हो गया? चारों अच्छे से क्लियर है, पॉइंट की दिक्कत है ये बताओ, ईमानदारी से बोलो। क्लियर है एकदम, क्रिस्टल क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। गुड, ये जरूरी है। ठीक है, अब भाई इतना हो गया, अब अपन बोले झगड़ा सुलझा ही नहीं, तो फाइनली तुम कहां पहुंचोगे? एडजुडिकेशन के लिए। किसके लिए? एडजुडिकेशन के लिए। शब्द का मतलब बताओ तो मैं बता दूं, डिसीजन होता है। क्या होता है? किसका डिसीजन? लेबर कोर्ट। तो सबसे पहले आप कहां पहुंचो? लेबर कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ये, यहां पर आपका केस जाएगा। ये केस तब गया आपका जब आपका मैटर कंसीलिएशन से सुलझ नहीं पाया। आगे आप आर्बिट्रेशन नहीं कराना चाहते हो तो आप सीधे कहां पहुंचो? लेबर कोर्ट पहुंचो। ये बात क्लियर हुई कि सिर के ऊपर से? कहीं ईमानदारी से बोलो। आप बाकी लोग को, तनिषा, वेदिका, गुंजा, ये चीज समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? पहले तो अपने को कंसीलिएशन करा के ही देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर वहां नहीं सो पा रहा है तो फिर कहां गए अपन? लेबर कोड गए। तो बेसिकली गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में बेटा लेबर कोड बना के रखी है और इनका काम जो है उन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना है जो सेकंड स्केड्यूल में दिए हुए। अब आप मुझसे पूछोगे क्या है ये स्केड्यूल, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में टोटल 6 स्केड्यूल्स है। उसमें जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट दिया हुआ है कि किन किन झगड़ों को लेकर आप जो है वो लेबर कोर्ट जा सकते हो। तो अगर आपका झगड़ा इसमें फॉल करता है तो आप उस झगड़े को लेकर कहां चले जाओ? लेबर कोर्ट चले जाओ। आप बता दो आपको ये बात कितनी समझ में आई? हाँ सर आ गई। अच्छे से कि आधा अधूरा? सर अच्छे से। अच्छे से इस पॉइंट पे स्टॉप करो क्योंकि आगे कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़ने में सिरदर्द होगा बाद में। ठीक है, इतना मेरे को पढ़ के दे पाओगे? यस सर। ठीक, कल सुबह क्लास रखूंगा ना, कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है? यस सर। कल पढ़ेंगे अपना वही 9 बजे के टाइम में। ठीक, आपको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कल बताऊंगा, उसकी पावर्स बताऊंगा और नेशनल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन पावर बता के इस चैप्टर को मैं कल समाप्त कर दूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। ये आप करो और इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से इसको पढ़ लो। ठीक है? ओके सर। थैंक यू। ठीक, और टेस्ट कितने बजे दोगे? टेस्ट कितने बजे दोगे? 12 बजे? ठीक है सर, दे दो 12 बजे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा देर कराएगा ना, ज्यादा क्वेश्चंस दूंगा, है ना? यस यस सर। ठीक है।